हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट से बनने वाली ड्राई फ्रूट मिल्कशेक की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है, तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने लिया है ये बाउल। इसमें हम डालेंगे ये खजूर। मैंने इनके सीड्स निकाल कर अलग कर लिए हैं, अब हम इसे इसमें ऐड कर लेंगे। टोटल मैंने 10 खजूर के पीसेस ऐड किए हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 12 से 15 काजू, 12 से 15 बादाम। मैंने लिया है ये आधा कप दूध और इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये गरम दूध है, अब हम इसे 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ताकि हमारे नट्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लेंगे एक छोटा चम्मच सब्जा सीड्स, इसे तुक मलंगा और बेसिल सीड्स भी कहते हैं। इसमें डालेंगे एक तिहाई कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए भिगो लेंगे। डेट्स और नट्स हमारे अच्छे से सोख हो चुके हैं, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। नट्स और ड्राई फ्रूट्स को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दूध, ये 500 ml दूध है, और इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मिल्कशेक हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिल्कशेक को ठंडा करने के लिए ग्लास में आइस क्यूब्स डाल लिए हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सब्जा सीड्स, जिन्हें मैंने सोक करके रख लिया था। अब हम इसमें मिल्कशेक ऐड कर लेंगे और इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे चॉप्ड किए हुए पिस्ता। हेल्दी और टेस्टी मिल्कशेक बनकर हमारा तैयार है।